हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आप सभी का शेखर सर की क्लास में। और अभी तक हमने आपके लगभग 4 से 5 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए थे। और जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसका नाम है एवरेज। एवरेज में भी हम लगभग 3 या 4 वीडियो आपकी दे चुके थे। इसके बाद अपन अगली वीडियो पे बढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक मैंने क्लियर किया था, कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे अच्छे अच्छे से, और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो लेते हैं अभी आज का हम पहला क्वेश्चन, मैं फिर के सुनाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 0.75 केजी बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी जिसका भार 30 केजी का है उसकी जगह पे दूसरा विद्यार्थी आ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार क्या है ये बताना है। देखो भाई, 20 विद्यार्थियों का, कितने विद्यार्थी है भाई, 20, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज बढ़ जाता है। एवरेज कितना बढ़ जाता है, 0.75 ये आपका बढ़ जाता है, ठीक है। ये कब होता है, जब कोई एक आदमी है, मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, इसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तब ऐसा होता है। देखिए, अगर ये व्यक्ति 30 का था, इनने बताया क्वेश्चन में, अगर ये व्यक्ति 30 का था और जो आने वाला व्यक्ति है इसकी जगह पे अगर वो भी 30 का होता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, क्योंकि जितने का गया है उतने का ही वापस आया है, तो एवरेज सेम टू सेम रहता। लेकिन एवरेज बड़ा है, जब एवरेज बड़ा है इसका मतलब क्या है, जो आने वाला व्यक्ति है कुछ एक्स्ट्रा लेकर आया है, आने वाला व्यक्ति है वो अपना खुद का एक्स्ट्रा इतना लेके आया है कि बचे हुए सबका क्या है 0.75 बढ़ा दिया और खुद का भी 0.75 बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर 20 स्टूडेंट का एवरेज बढ़ा है इतना, तो बताइए टोटल कितना बढ़ा होगा भाई, टोटल कितना बढ़ जाएगा भाई, 0.75 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बनेगा भाई आपका 15, ठीक है। 0.75 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का भाई, 20 का, तो कितना हुआ भाई 15, तो 15 बढ़ जाएगा। जब टोटल 15 बढ़ जाएगा इसका मतलब ये जो भाई साहब आए हैं ना वो 15 एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे, मतलब कितने के आए होंगे भाई, ये आए होंगे 45 के, बात आई समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था कि 20 स्टूडेंट का भी इतना एवरेज बढ़ा है, इतना एवरेज बढ़ा है इसका मतलब क्या है, 15 टोटल बढ़ा है, जिसका मतलब कि एक जो व्यक्ति है वो बदल गया है ना वो 15 एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, तो कितने का होगा भाई, बस 45 का होगा, यही आपका आंसर इस क्वेश्चन का, क्लियर। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, बस कि एक लॉजिकल चीज थी वो आपसे पूछी गई थी और हमने इस तरीके से उसको सॉल्व कर लिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई आज का, 9 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 35। देखिए 9 संख्याओं का 30 है, जो 9 नंबर है उनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है अभी 30, ठीक। इसमें से फिर 5 जो नंबर है, 5 है कि 3, हाँ 5 है, जो 5 नंबर है उनका एवरेज कितना है 25, ठीक है 25, और उसके बाद अंतिम जो 3 नंबर है उनका एवरेज 35, अंतिम 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 35। तो कल हमने इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए थे, एक तरीका तो वो है कि आप क्या करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा भी देखिए, यहाँ पर टोटल जो होगा अगर यहाँ पे अपन इस तरीके से लेते हैं 9 × 27 = 270, तो 270 जो टोटल है वो कितने लोगों का है भी आपका, ये 9 लोगों का, ठीक है। और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, तो ये 125 टोटल कितने का है भी, पहले 5 लोगों का, 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 और 1 × 10 105, ये मल्टी, ये आपका जो टोटल है वो कितना है, लास्ट के 3 लोगों का। अब अगर हमें वो नंबर चाहिए, एक इकलौता जो नंबर बचा हुआ, देखो 9 ये है और इन दोनों को मिलाएंगे तो 8, तो वो एक संख्या बचेगी, उसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, यही छठवा पूछा गया ना, तो छठवा जो नंबर निकालना है वो 6th नंबर क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 270 में से
क्योंकि ये पूरे 9 लोगों का टोटल है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा इन दोनों का टोटल, मतलब कितना 230, ठीक है, कितना भी 230। तो आप देख पा रहे हैं ये छठवां जो व्यक्ति है वो कितने का आ गया भाई आपका 40 का, तो ये आपका आंसर होता। अब इसी चीज को अपन डायरेक्ट सोचकर भी कर सकते थे अगर हमें कलम कम चलानी हो, टाइम बचाना हो, ठीक है, हालांकि मैं समझाऊंगा इसलिए टाइम लगेगा, पर अगर आपको प्रैक्टिस हो गई हो कल का, अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए एक कमरे में 9 लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं भाई 9 लोग, ये जो कमरा है वो कितने लोगों का भी 9 लोगों का है, और हर एक व्यक्ति कितने का भी आपका 30 का है। एक कमरा है जिसमें कितने लोग हैं भाई 9 लोग हैं, ठीक है, और एवरेज कितना लिए हैं भाई 30 लिए, क्लियर। अगर इस कमरे में से मैं 5 लोगों को भगाऊं कि भाई आप 5 लोग चले जाइए, और अगर वो अपना 30-30 लेकर जाते, देखो एवरेज का मतलब क्या होता, हर एक व्यक्ति कितने का कर दिया 30 का, तो अगर इनमें से 5 लोग अगर अपन बाहर भगाए और ये कह के भगाए कि भाई अपना 30 ले जाओ, तो अंदर जितने भी लोग 4 बचे हैं उनके पास 30-30 बचेगा, मतलब एवरेज वही रहेगा 30 का 30, लेकिन ये जो 5 है वो कितना लेके गए भाई, ये जो 5 है ये लेकर गए 25, ये 30 लेके नहीं गए, मतलब क्या है कम लेकर गए। अगर ये कम लेकर गए इसका मतलब क्या है, अंदर उस क्लास में छोड़कर आए हैं। अब कितना छोड़कर आए हैं, 5 लोग हैं और 5 कम लेकर आए हर एक व्यक्ति, तो टोटल कितना कम लेकर आए हैं अभी 25। बात आ रही समझ में, एक व्यक्ति कितना कम लेकर आया अभी, यहां से देखो ये 30 थे, लाना तो 30, लेके कितने आए भाई 25, तो कितना कम लेकर आए भाई 5, आदमी कितने हैं भाई आपके भाई 5, तो टोटल कितना अंदर छोड़ के आए भाई 25, तो भाई अंदर छोड़ के आए कितना भाई ये 25। अब इनकी बात करते हैं, इनसे बोला कि आप भी बाहर जाइए तभी तो एक व्यक्ति यहां बचेगा। अगर इनसे बोला कि भी अगर आप अपने 30 बाहर लेके जाइए, अगर 9 लोग हैं और उनसे बोला कि इनमें से 3 लोग बाहर जाइए और अपना 30 लेकर जाएं, अगर 9 लोग में से ये 3 लोग बाहर जाएंगे और 30 लेकर जाएंगे, तो बचे हुए 6 लोगों का जो एवरेज होता वो 30 ही होता, क्योंकि वो तो अपने 30-30 लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो साहब जी 3 लोग हमने बाहर निकाले हैं, वो 3 लोग साहब कितना लेके गए भाई 35, ले जाना था कितना भी आपका 30, तो कितना एक्स्ट्रा ले गया भाई 5 एक्स्ट्रा लेके गया है, ठीक है, कितने लोगों का भाई 3 लोगों का, तो कितना एक्स्ट्रा लेके गए भाई 15 एक्स्ट्रा लेकर गए। अब 15 एक्स्ट्रा बाहर ले गए तो इसका अंदर कमी हो जाएगी, सो माइनस के 15। अब आप देख सकते हैं 30 और इन दोनों का अंतर कितना भी 10, तो 30 प्लस का 10 कितना हो जाएगा भी आपका 40, ठीक है 40, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ये अजम्पशन वाला एक मेथड है, आपको उसके बाद सोचना है, ठीक है, मानना है कि इस तरीके से होता है, क्लियर, और आप सोचते ही सोचते आंसर निकाल देंगे। ये चीज हमें बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपके दिमाग में अगर फिट हो गया सारी चीज, कंसेप्ट क्लियर है, तो ये चीज आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप सोच के ही आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन आज का अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 परिकलित किए गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ गलती हो गई हो, एक विद्यार्थी इसके 56 है, उस 56 के स्थान पर 42 लिख दिए गए और दूसरे के 32 की जगह पर 74 लिख दिया, तो सही औसत हमें निकालना है। 14 विद्यार्थी हैं और 14 का जो एवरेज है वो साहब गणना की गई है कितनी 71, और ये जो गणना की गई है उसमें कुछ गलती है, क्या गलती है, उनने कहा दो विद्यार्थी हैं उसमें से, देखो दो विद्यार्थी मान लीजिए, एक है ए और एक है बी, ठीक है, ए के साहब जो अंक है वो 56 के स्थान पे कितना लिख दिया भाई 42, 56 के स्थान पे कितना लिख दिया भाई 42, लिखने थे 56, लिख कितना दिया 42, कम कर दिया, और जो दूसरा विद्यार्थी है 32 के स्थान पे
तो दूसरा विद्यार्थी उसके 32 नंबर की जगह पे उन लिख कितने दिए भाई 74 ही है। हाँ ठीक 74 इतना लिख दिए। ठीक है अब आप ये बताइए लिखना था ये और लिख दिया ये तो कितना लिखना था भाई। देखो ये हो गया 8 ये कितने 8 88 मतलब इन दोनों का टोटल था वो 88 होना था पर कर कितना दिया भाई ये देखो भाई 4 2 6 और 7 और 4 11 116। ठीक है तो कितने का अंतर कर दिया भाई देखो 88 और 116 मतलब 28 का अंतर कर दिया तो 28 अंतर हो गया मतलब 28 टोटल में एक्स्ट्रा है भाई। ये क्या चल रहा है भाई टोटल ही तो चल रहा है। ठीक है ये एवरेज थोड़े ही ना है ये क्या है टोटल है तो 28 टोटल में एक्स्ट्रा है तो अगर टोटल में अगर एक्स्ट्रा 28 है तो हमें तो सही एवरेज लेकर आना है। टोटल स्टूडेंट हैं कितने भाई आपके 14 टोटल स्टूडेंट हैं कितने भाई आपके 14 तो 14 लोगों का अगर देखा जाए 28 के हिसाब से एवरेज कितना बनेगा भाई 2 मतलब कि जो 2 एवरेज है उसी की गड़बड़ी हुई है। अब एवरेज देखिए लिखा था भाई इतना भाई इसने एक स्थान पर इतना लिख दिया है मतलब क्या है किया है भाई ज्यादा लिख दिया है क्या किया भाई ज्यादा लिख दिया है तो जो एवरेज दिया वो ज्यादा दे रखा है। एक्चुअल चीज क्या थी भाई आपकी 88 थी मतलब कि कम होनी चाहिए तो एक्चुअल जो एवरेज निकलेगा वो जो दिया है ना एवरेज उससे कितना भाई 2 कम होगा मतलब कितना भाई 69 ये आपका आंसर है। क्लियर है सारी चीजें 14 लोगों का एवरेज इतना था। ठीक है दो विद्यार्थी थे लिखना था इतना लिख इतना दिया है मतलब 88 होना था वो इतना गया है कितने की गड़बड़ी हुई 28 एवरेज में कितने की गड़बड़ी साहब 2 की। अब 2 एवरेज ज्यादा हो गया कि कम साहब लिखना था इतना हो गया इतना मतलब कि ज्यादा हो गया है तो हम सही एवरेज करने के लिए 2 कम कर देंगे आंसर कितना भी 69। अगर दिमाग इस तरीके से नहीं चल रहा है तो आप कुछ नहीं करना है वही मेथड है इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक टोटल आएगा वो कौन सा आएगा जो गलत हो चुका है और इधर अपन को क्या करना है इसका टोटल इसका टोटल कितना आ गया भाई आपका भाई 116 88 कितने का गड़बड़ हुआ भाई 28 से माइनस कर देना तो एक्चुअल एवरेज आपका आ जाएगा और 14 के डिवाइड कर देना आंसर बिल्कुल 69 सेम टू सेम आएगा पर वो लॉन्ग मेथड है आपको मल्टीप्लाई ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे भाई अपन। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं क्या दे रखा है देखिए चार संख्याओं जिनका औसत 60 है पहली संख्या अन्य तीन संख्या के योग का 1/4 है। देखिए चार संख्याएं ए बी सी डी ठीक है जो पहली संख्या है अन्य तीन संख्याओं के योग का 1/4 है। अब 1/4 दे रखा है तो हमने आपको प्रीवियस जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं चाहे आयु का हो या फिर रेशियो का हो तो हमने बताया है अपन मानते हैं नीचे वाली संख्या तो साहब अपन ने माना कि साहब ये तीनों का जो योग है वो कितना अभी 4 है। अगर तीनों का योग अगर 4 है तो उसका 1/4 कितना होगा अभी 1 निकलती है ऊपर वाली संख्या तो साहब ये एक ए की वैल्यू कितनी होगी साहब 1 तो इस तरीके से होगी अब साहब इसका रेशियो। अब हमें शुरुआत में दे रखा था कि चार संख्याओं का औसत कितना भी 60 तो इनका जो एवरेज है इनका एवरेज कितना दे रखा है चारों का भी 60। अब आप हमें यह बताइएगा अगर चार संख्याओं का एवरेज इतना है तो टोटल कितना चार संख्याओं का एवरेज इतना तो टोटल कितना भी 4 × 60 ये होगा होगा कि नहीं होगा और इसके बाद कुछ नहीं करना है जो हमने आपको रेशियो में बताया था जो चीज में उसी का डिवाइड जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ठीक है तो ये क्या है भी आपका टोटल है तो 4 × 60 ये टोटल है हमारे रेशियो में चारों संख्याओं का टोटल कितना हो रहा है 1 और 4 कितना भाई 5 ये 4 कितने लोगों का टोटल दे रखा है ये 3 संख्याओं का टोटल दे रखा है तो ये 3 संख्याओं का टोटल दे रखा है वो 4 है और एक संख्या का कितना दिया अभी 1 तो पूरी 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जा रहा है 5 तो 5 जो टोटल है वो पूरी चारों संख्याओं का है वो किसमें रेशियो में तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड कर दिया
और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहली संख्या पूछी है तो उसका रेशियो कितना है भाई, वन है, सो वन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पांच से कितनी बार, बारह पंचे साठ होता है ना, और बारह चौके अड़तालीस, मतलब पहली संख्या कितनी आ गई भाई, अड़तालीस, ये आंसर है। इजी था, कुछ नहीं था, बस ये चीज आपको बनाना आना चाहिए था। उसके बाद आपको तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में पता ही है, टोटल में टोटल का डिवाइड किया, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक पिता और उसके दो बेटों की औसत आयु कितनी है भाई, 27। एक फादर है और उनके दो बेटा, ठीक है, एक पापा P4 पापा, ठीक है, और दो बेटा, तो बेटा नंबर वन और बेटा नंबर टू, ये तीन लोग हैं, इनका एवरेज दे रखा है, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 27 आई थिंक, ठीक है 27 है, 27 ये दे रखा है, अच्छी बात है। अब आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पांच वर्ष पहले दोनों बेटों की औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष। 5 साल पहले बेटा नंबर वन और बेटा नंबर टू का जो एवरेज था वो कितना था भाई, ये 5 साल पहले की बात चल रही है, 12 था, कितना था भाई, 12। अब आप हमें ये बताइए, 5 साल पहले दोनों अगर 12-12 के थे, आज कितने के हो जाएंगे, 5-5 साल बढ़ जाएंगे, मतलब कि कितने के हो जाएंगे, 17-17 के। और अगर दोनों ही 17-17 के हैं तो एवरेज कितना हो जाएगा अभी, 17, मतलब कि 5 साल पहले का एवरेज अगर 12 है तो आज वर्तमान में एवरेज कितना हो जाएगा अभी, 17। तो वर्तमान की बात करें, तो बेटा नंबर वन और बेटा नंबर दो, इनका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा अभी, 17। ये बात समझ में आई, 17, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि पिताजी की आयु क्या है, ये पूछा गया, पिताजी की पूछी है, दोनों बेटों की आयु में अंतर 4 है और पिताजी की वर्तमान आयु निकालना। देखो दोनों बेटों की आयु में अंतर 4 है, उसके इसलिए दिया, अगर बेटों की आयु पूछी होती तो काम आता, लेकिन हमें से इसके बारे में, पिताजी के बारे में कैसे निकालेंगे, पापा जी हैं, बेटा है, बेटा है, इनमें से बेटा एक और दो को हटा देंगे तो पिताजी बचेंगे, तो ऐसे अपन को करना है कि इनका टोटल निकाल लो, इन दोनों का टोटल निकाल लो और उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा अभी, आपका पिताजी निकलेंगे। कैसे, देखिए टोटल ये तीन लोगों का एवरेज इतना है तो टोटल कितना, 27 × 3 = 81, ठीक है, ये दो लोगों का सब एवरेज इतना है तो टोटल कितना भी, 34 × 37 = 17 × 34। इन तीन में से अगर इन दोनों को हटा देंगे तो पिताजी बचेंगे, हटा दो तो 7 × 4 = 11 होता है, ये 4 हो गया, 47, पिताजी की आयु कितनी आ गई भाई, 47, क्लियर। अब दूसरा तरीका भी अपन कर सकते थे कि भाई ये तीन लोग हैं और हर एक आदमी अगर 27-27 का है, एवरेज का मतलब तो यही होता है, और आपको ये सोचना पड़ेगा, और इनमें से दो लोगों से बोला कि आप जाइए, इन दो लोगों को बोला कि आप जाइए, अगर ये दो व्यक्ति अपना 27-27 लेके चले जाते तो पिताजी 27 के बचते, लेकिन ये ले कितना गए अभी, 17-17 लेके गए हैं, ये ले कितना गए अभी, 17-17 लेकर गए हैं, इसका मतलब कि अंदर कितना छोड़ के गए हैं, ये भी 10 छोड़ के गया, ये भी 10 छोड़ के गया है, तो मिलेगा किसको भाई, ये 10 और ये 10 मिलेगा किसको, जो अंदर बैठा हुआ है, तो 27, 10 और 10 कितना हो जाएगा अभी आपका, 47, यही इसका आंसर था। तो आप सोच के भी कर सकते थे, एक क्लियर सा फंडा है, ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या दिया है, एक कक्षा में 30 लड़कों की आयु 15 वर्ष है, 30 लड़कों की आयु 15 वर्ष होना, मतलब हर एक की 15, मतलब यही तो औसत है, तो 30 लड़कों का जो एवरेज है, जो 30 बॉयज हैं, इनका एवरेज दे रखा है वो 15 है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिया हम लिख चुके हैं। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष थी स्कूल छोड़कर आ गया, परंतु दो नए लड़के आए जिनकी आयु में अंतर 5 का है,
यदि अब कक्षा में लड़कों की औसत आयु 15 की 15 है तो छोटे नए लड़के की औसत आयु क्या है? देखो भाई, एक लड़का, इसमें से एक लड़का जो कितने का था, भी बॉय था, एक बॉय नंबर 1 मान लीजिए, और इसका जो वैल्यू दे रखा था वो कितना दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि कितने साल का था, 20 साल का, ठीक है, तो 20 साल का था, ये स्कूल छोड़ के चला गया, ठीक है, और दो नए लड़के आए हैं B2 और B3 इसकी जगह है, और दोनों में अंतर कितने का है, 5 साल का, तो छोटा वाला बच्चा चाहिए, छोटा कितने का था, ठीक है। देखिए कैसे इसको अपन फाइंड आउट करेंगे, पहली चीज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपको पता ही होगी, आप सोच के ही निकाल सकते हैं कि भी 30 लड़कों का एवरेज इतना है तो टोटल कितना भी 15 45 450, ठीक है, क्लियर। और इसमें ऐसे साहब एक व्यक्ति चला गया, वो कितने का था भी 20 का था, तो चला कैसे जाएगा, माइनस कर दो, कितने बचे 430। अब ये जो टोटल बचा हुआ है वो कितने लोगों का, अभी 29 लोगों का, क्योंकि यहां पे एक व्यक्ति अपन ने हटा दिया है, तो ये जो टोटल बचा हुआ है वो किसका है, वो है 29 लोगों का, 29 बॉयज का है, ठीक है, ये टोटल है 29 बॉयज का। अब दो नए लोग आ जाते हैं तो कितने हो गए, अभी 31, और 31 बॉयज का जो एवरेज है, एवरेज कितना दे रखा है, अभी 15 का जो एवरेज है वो दे रखा अभी 15, तो टोटल कितना बनेगा, 15 गुणा 31, 15 एकम 15, 15 45 और 1 46, इतना बनेगा। अगर हम इसमें से ये 29 लोगों का टोटल हटा दें, अगर इसमें से हम ये 29 लोगों का टोटल हटा दें तो जो नए लोग हैं उनका टोटल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई इसमें से इसको हटाएंगे तो जो दो बॉयज आए हैं, दो बॉयज उनका हमें टोटल मिलेगा, तो 465 में से 430 चले गए, तो कितने मिले भी आपको, 35, है ना, 35। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, हमने इसमें से इसको क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया, सो दो लोगों का बचा है। अब ये दो वो लड़के हैं जो एक्स्ट्रा आए थे, और उनका टोटल कितना दिया अभी आपको, 35। तो अपन ने मान लिया कि साहब एक लड़का क्या था भी, बॉय नंबर 1, या चलो एक था ए और एक था भी बी, दोनों का टोटल दे रखा है 35, और दोनों में अंतर कितना दे रखा है, वो दिया 5 का, तो विलोपन विधि लगा दो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a = 40, तो ए बराबर का कितना हो गया अभी 10, ठीक है। अब इसमें से अगर ए 10 का हो गया है तो दूसरा व्यक्ति कितने का हो जाएगा अभी आपका, भाई टोटल 35 है ना, टोटल 35 है तो दूसरा 25 का हो जाएगा, तो बी बराबर के कितने हो गए, 25। लेकिन आप देख रहे होंगे इस सब में कितना लॉन्ग प्रोसीजर आपको जाना पड़ रहा है, लेकिन हम आपको एक ऐसा बताने वाले हैं मेथड जिससे कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम हमें बचाना है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन से निपटने के लिए हम कौन सी मिसाइल छोड़ेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, ये सब कोई जरूरत नहीं है, आपसे ये कहा गया कि 30 जो बच्चे हैं उनका हिसाब एवरेज कितना है, 15 15, एक जो व्यक्ति है, ठीक है, एक जो बच्चा है वो बच्चा कितने का था भी, वो बच्चा था 20 का, ये चला जाता है, और फिर दो नए लोग आते हैं तो एवरेज फिर 15 हो जाता है, 31 लोग हो गए बाद में बच्चे आके, 31 फिर एवरेज कितना हो गया, 15। अब आप ये बताइए अगर दो लोग नए आए थे, अगर ये बंदा अगर 20 का चला गया है तो यहां एवरेज में कुछ ना कुछ कमी होगी, पहली बात तो ये आप देख लीजिए, अगर 30 लोगों का एवरेज 15 है, मतलब हर एक व्यक्ति कितने के होंगे, 15 15 के, और उसमें से अगर एक 15 का ही जाता है तो बचा हुआ एवरेज 15 का बचता, लेकिन ये कुछ ज्यादा ले गया है तो अंदर तो एवरेज कम होगा, और फिर एक एक्स्ट्रा व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति और एक और एक्स्ट्रा व्यक्ति आ गया, तो आदमी कितने हुए, 31, और फिर एवरेज बराबर। इसका मतलब क्या है, जो एक बंदा आया वो अपने 15 तो लेकर आया, और यहां पर जो क्षति हुई थी वो 20 भी लेकर आया होगा, ये बात समझ में आ रही है आपको कि भाई अगर ये बंदा गया है 20 का तो 20 तो आए हैं, और साहब एक एक्स्ट्रा जो व्यक्ति आया है वो भी 15 लेकर आया, तभी एवरेज कितना बना भाई, 15 बना है, मतलब उन लोगों का जो टोटल था वो कितना था भी आपका, 35। तो हम डायरेक्ट जंप कर गए भी टोटल पे, और इनने दे रखा था भी हमें अंतर, भी अंतर कितने का भी, 5 का,
तो अब ऐसे करना है, ये बोलूंगा हमारी और तुम्हारी आयु का अगर टोटल कितना है, अभी 35 है, लेकिन मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, लेकिन मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, और मैं ये कहूंगा कि अरे यार अंतर मत देखो, हम में और तुम में जो अंतर है वो मत देखिए, जब मत देखेंगे तो हम और आप बराबर के होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर ये अंतर नहीं देखें इसमें तो कितना बचा, अभी 30 बचा, उसमें दोनों ही व्यक्ति बराबर बराबर के, तो एक 15 का तो दूसरा भी 15 का, लेकिन अंतर तो है, अंतर है तो फिर एक साइड कर दो, कोई ना कोई एक बड़ा कर दो, तो एक हो गया 20 का, एक हो गया अभी 15 का, हो गया कि नहीं हो गया। अब निकालना भी अपन को क्या निकालना है, एक 20 का एक 15, ठीक है। अब निकालना कौन सा है, छोटे बच्चे की आयु निकालनी है, किसकी निकालनी है, छोटे बच्चे की आयु निकालनी है, तो छोटा कितने का हो गया, अभी 15 का हो गया, क्लियर। अच्छा उससे 10 निकली थी क्या, भाई टोटल तो 35 ही निकला था, अंतर 5 था, ए प्लस बी कितने पहुंचे थे भाई अपन, 35 थे और अंतर कितना था भाई, 5 था, तो हमने क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, इसको जोड़ दिया तो ये 40, अच्छा ठीक है, वो गलती हो गई थी काटने में, 2a बनेगा और यहाँ पे 40 बनेंगे, तो ये कितना भी 20 बनेगा वहां पे, ठीक है, जो प्रीवियस मेथड करवाया था ना वहां पे a की वैल्यू 20 निकलेगी, ठीक है, तो b की वैल्यू 15 निकल के आगी, वो हमने 10 लिख दी थी बाय मिस्टेक, अच्छा की बात नहीं, लेकिन हमें वो उस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, हमें तो ये वाला मेथड अप्लाई करना है, कितनी जल्दी आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की आधी है, तीन संख्या है, एक ए मान ली, एक बी सी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है, तो अगर ये एक है तो ये कितना है भाई, दो, तभी तो होगी पहली संख्या दूसरे से दुगनी, लेकिन ये जो संख्या है वो तीसरे से आधी है, तो इसको 4 मानना पड़ेगा तभी हो पाएगी, भाई सोचने वाली बात है, इन्होंने बोला पहली संख्या दूसरे की कैसी है, दुगनी है, सो ये एक तो ये दो गए, ठीक है, और ये तीसरी संख्या की आधी है तो इसको 4 मानना पड़ेगा, मतलब इसका डबल मानना पड़ेगा, इसको मान लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि तीनों संख्याओं का एवरेज 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर चाहिए, ठीक है, तीनों संख्याओं का एवरेज 56 है, इन तीनों का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 56। अब आप बताइए कि एवरेज कितना दे रखा है, 56, ठीक है, तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड करना है, अगर एवरेज 56 दे रखा है तो हमारे रेशियो के हिसाब से एवरेज देख लो कितना है, 4 और 2 6 6 1 7, और 7/3 होगा कि नहीं होगा, 7/3 एवरेज में एवरेज का डिवाइड, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, ठीक है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, पहली और तीसरी में अंतर, तो पहली तीसरी में कितने का अंतर बताइए, 2 का अंतर है, तो 2 निकालना, 2 का मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो 56 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 7, 7 8 56, 8 3 24 2 48, ये आंसर होगा। अब आप कहोगे सर पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसमें तो आपने टोटल निकाला था, भाई जो चीज में उसी का डिवाइड, अगर आप यहाँ पे टोटल निकालते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ टोटल निकालते हैं तो टोटल कितना निकलेगा, 3 लोगों का एवरेज इतना आया, तो 3 6 18 और 3 5 15 और 1 16, ये निकल के आएगा, ठीक है, टोटल टोटल में टोटल का डिवाइड लगाना पड़ेगा, 168 डिवाइड बाय ये टोटल देखो कितना हो रहा है, 7, और निकालना था अंतर, अंतर कितने का था, 2 का, सो 2 का मल्टीप्लाई, 7 1 7 7 2 9 14, ठीक है, और 7 4 28 24 2 9 48, तब भी 48 आएगा, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, क्लियर। पर इसमें क्या दिख ही रहा था कि 7 है और 7/3 कर दो ऊपर पहुंचा, खत्म, 7 8 56 हो जाता यहां पे, 8 2 9 16 3 48 हो जाता, क्लियर। चलिए टाइम बच रहा था, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर आज का अपन, अगला प्रश्न, 30 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी, तीन संख्याएं, तीन संख्याओं में क्या कह रहा है, दूसरी संख्या है वो पहले से दुगनी है और तीसरी संख्या की भी तिगुनी है, तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या के बारे में बहुत बात कर रहा है, तो ए बी और सी तीन संख्याएं हमने ली, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, दूसरी संख्या पहले से दुगनी है,
तो अगर ये एक है तो ये दो है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी से तीन गुनी है, तो अगर ये एक है तो ये तीन है, ठीक है। अब रेशियो में कुछ सिखाया था हमने, जो खाली जगह है उस पर कौन कब्जा करेगा भी, पड़ोसी, तो ये दो और ये कितना हो जाएगा अभी आपका तीन, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि मैं डायरेक्ट भी बना सकता था अगर किसी को प्रॉब्लम, तो जैसा बोल रहा वैसा लिख लो कि भाई यहाँ पे बोला कि दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तो तीसरे के बारे में नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, इतना लिख लो, और फिर बोला कि साहब दूसरी संख्या तीसरी से तीन गुनी है तो इतना लिख लो, ये मत लिखो, तो खाली जगह पे पड़ोसी आते हैं और कुछ नहीं करना, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, दो एकम दो, ये रेशियो बन गया। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, ये चीज अगर आपको नहीं लिखनी है, ऐसे इतना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि भाई हमें क्या करना है, दूसरी संख्या तीसरी से तीन गुनी करनी है, दूसरी संख्या तीसरी से तीन गुनी करनी है, और जो इससे कैसी हो, दुगनी हो, तो हमने क्या किया, इससे तीन गुनी करने के लिए इसको दो लिया, तो इसको ले लिया अभी छह डायरेक्ट, ठीक है, और अगर ये इससे तीन गुनी है तो इसको कितना लेना पड़ेगा, ये तीन गुनी दुगनी है तो इसको कितना लेना पड़ेगा अभी थ्री, तो ये बन गया अभी आपका रेशियो, ठीक है। हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे बोल रहे हैं कि तीनों का औसत कितना है 44, सबसे बड़ी संख्या निकालनी, एवरेज अगर तीनों का 44 है तो टोटल कितना होगा 44 इंटू का तीन, ठीक है, और हमारे हिसाब से सॉरी 44 एवरेज है तो टोटल कितना होगा 44 इंटू थ्री, और हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा भी आपका, देखिए 6 और 3 9 और 2 11, और निकालना बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या कितनी है भाई 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दो 11 चौके 44, 4 3 12, 12 6 72, 72, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें से 2 व्यक्ति 21 और 23 की जगह पे 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो दोनों नए व्यक्तियों का औसत चाहिए। देखो 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति नंबर 1, व्यक्ति नंबर 2, एक 21 का है, एक 23 का है, ठीक है, इनकी जगह पे कोई नए व्यक्ति आए हैं, कोई नए व्यक्ति आए हैं इनकी जगह पे, और उससे क्या हो जाता है, कितने का फर्क पड़ जाता है, 2 वर्ष एवरेज बढ़ जाता है 8 लोगों का, 8 लोगों का एवरेज बढ़ जाता है, 8 लोगों का जो एवरेज है वो 2 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। अगर एवरेज 2 वर्ष बढ़ा है तो टोटल कितना बढ़ा है, टोटल बढ़ा है 16, इसका मतलब कि 16 वो एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे, 16 एक्स्ट्रा लेके आए होंगे तो इन दोनों व्यक्तियों में ही 16 जुड़ेगा, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करना है, 21 और 23 को तो उन्होंने मेंटेन किया ही किया है, और 16 अतिरिक्त लेकर आए हैं तो कितना हो जाएगा भाई, इसी में जोड़ दो, यहाँ पे 16 जोड़ दो, कितना हो रहा भाई आपका 6 4 10, ठीक है, 5 और 1 6 60, तो ये आ गया भाई, दो नए व्यक्ति आए हैं B1 और B2 की जगह पे, उनका टोटल, पर हमसे टोटल नहीं एवरेज पूछा है, 2 व्यक्तियों का टोटल अगर 60 है, 2 व्यक्तियों का अगर टोटल 60 है तो एवरेज कितना डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई 30, और यही आंसर है, ठीक है, क्लियर है भाई। 8 लोगों का एवरेज बढ़ रहा था 2, तो मतलब टोटल बढ़ा 16, तो 16 एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे, और पुरानी जो भी क्षतिपूर्ति हुई है वो की होगी, तो भाई यहाँ पे कितने का भी किया था भाई, 21 का 23 का, तो 21-23 तो लेकर आया ही होगा, तो साथ में 16 जो कि एक्स्ट्रा बढ़ाया वो भी लेकर आया होगा, तो टोटल कितना लेके आए हैं भाई 60। अब 60 तो दोनों का टोटल है, पर पूछा एवरेज है तो 2 का डिवाइड कर दिया, कितना आ गया अभी आपका 30, ये आंसर है। चलिए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या दिया है, एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के औसत अंक प्राप्त अंक कितने हैं, अभी 35 है, 120 का एवरेज दे रखा है, 120 जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज दे रखा है वो 35 दे रखा है, ठीक। इसके बाद क्या कह रहे हैं, उत्तीर्ण छात्रों का एवरेज कितना 39, जो पासिंग स्टूडेंट है जो पास हो चुके हैं उनका एवरेज कितना है भाई 39 है, और जो फेल हुए हैं अनुत्तीर्ण उनका कितना है भाई 15 है, जो फेल हुए हैं उनका कितना दे रखा है भाई 15 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब पासिंग स्टूडेंट कितने थे वो निकालना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम एक्स के थ्रू अगर जाएंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन हमने शायद प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था, इसलिए मैं दोबारा उस मेथड से नहीं करूंगा क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लगेगा,
और मैं करा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, दो अलग चीज दे रखी है और एक उसका कॉमन दे रखा है, तो एलिगेशन फिट करिए। एलिगेशन में दो अलग चीज, पासिंग वाला अलग ले लिया कितना अभी 39 है, फेल वाला अलग ले लिया कितना अभी आपका 15 है, और कॉमन कितना दे रखा है इसका 35। इन दोनों का गैप इधर आएगा कितने का गैप है 4 का, इन दोनों का गैप इधर आएगा कितने का अभी आपका 20 का, कैंसिल करेंगे 4 × 5 = 20, ठीक है। तो रेशियो क्या बन गया अभी आपका इतना 5:1 का। अब हमें निकालना क्या है अभी, पासिंग स्टूडेंट, तो ये क्या दे रखा है टोटल, ये क्या दे रखा है टोटल, इनके हिसाब से टोटल 120, हमारे हिसाब से कितना अभी टोटल रेशियो है 5:1 = 6, और निकालना पासिंग, तो पासिंग के नीचे कितना अभी आपका 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 6 × 12 = 20 बार और 20 × 5 = 100, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट पास थे, क्लियर, उत्तरी निकल के आ गए। तो उम्मीद करता हूं आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, उनसे यही कहूंगा कि आप पहले वाले टॉपिक मतलब रेशियो से पूरे सिक्वेंसली आप यहाँ पे पहुंचिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।